पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से सूबे में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ चुका है, तो वहीं पक्ष विपक्ष के नेता भी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी जारी है। आलम यह हो चला है कि अब भाजपा समर्थकों ने चन्नी सरकार के मंत्रियों को सड़क पर घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुवार को एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भाजपा के समर्थक राज्य की कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम ओपी सोनी को घेरे हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, कार को घेरे खड़े प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए वे खुद गाड़ी से बाहर निकलते हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। दरअसल ओपी सोनी अमृतसर के रास्ते पर थे, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को घेर लिया। भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी की सुरक्षा में खामी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देश भर में भाजपा कांग्रेस पर जबरदस्त आक्रामक हो गई है। हालांकि कांग्रेस भी काउंटर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, यहां तक कि चन्नी के समर्थन में अब खुलकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी उतर आए हैं। सिद्धू ने दावा किया है कि अगर बीजेपी पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करेगी तो उसे करारा जवाब मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे लोगों पर भी जमकर बरसे। सिद्धू ने कहा, बीजेपी को राजनीति करना बंद करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। जो भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, वो सब बीजेपी के चमचे हैं। सिद्धू ने मोदी पर पंजाबियत का अपमान करने का आरोप लगाया। सिद्धू ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप ये कहकर कि यहाँ आपकी जान को खतरा था, इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब की सियासत चुनाव से पहले बेहद तल्ख हो गई है। भाजपा जबरदस्त आक्रामक हो चुकी है, जबकि कांग्रेस भी माकूल जवाब देने से नहीं चूक रही। लिहाजा ऐसे में देखना होगा कि ये जंग किस मोड़ पर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।